क्या व्यू है यार, उस तरफ से समंदर और इस तरफ भी समंदर और बीचों बीच ये रोड जाता है और मैं जा रहा हूँ। मजा आ रहा है इनको उड़ा के। टाटा तुझे कसम है, हिम्मत मत हारना, रास्ता बहुत कठिन है। आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ टू इग्नोर दिस सीनरी एंड गो। सो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग ऑन रोम विद सोम। So I'm all set and today I'm riding from Dwarka till Bhuj, जो कि around 400 किलोमीटर है, 394 किलोमीटर to be precise. And now time is 1:43. मुझे ETA दिखा रहा है 9:21 PM. So let's see. जामनगर होके ही मुझे जाना होगा। Bike is all set with luggage and all. Bye bye द्वारका। द्वारका बहुत सुंदर लगा मुझे, सिटी बहुत सुंदर है, चारों तरफ समंदर है, लोग भी अच्छे हैं और सबसे बेस्ट चीज़ हमारे प्यारे कृष्ण जी के मंदिर भी है यहाँ। सो द्वारका वाज सुपर्ब। हम लोग द्वारका में द्वारकाधीश जो मेन टेम्पल है वो दर्शन किए, उसके बाद ओल्ड द्वारका टेम्पल जो द्वारका वेट वहाँ गए थे दर्शन के लिए, और सबसे मेन हम लोग नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो दर्शन किए। सो इट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल, बहुत अच्छा लगा द्वारका आके। आप भी अपने फैमिली पेरेंट्स उनके साथ आइए, अच्छा लगेगा। अभी फेब्रुअरी एंड है, अभी इस टाइम आए थे तो इस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं मिला। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वीकडे में और पीक टाइम को अवॉइड करके आइए ताकि आपका शांति से दर्शन हो जाए अच्छे से। एंड मैंने अभी जस्ट बात कर रहा था वहाँ पे हमारे होटल वालों से, वो बोल रहे थे अभी तो आप इस टाइम आए हो इसलिए कम टाइम में दर्शन हो रहा है, अगर आप होली के टाइम आओगे तो वहाँ इतने भीड़ होता है कि कभी कभी लोगों को दर्शन भी नहीं मिलता, मतलब लाइन पे लगने के बाद भी। और जो सिटी से निकलने के लिए मुझे ये नेविगेशन की ज़रूरत है। और ऊपर से ये फ़ोन का शायद पीक ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है या फिर पता नहीं क्यों, मैं जब धूप में नेविगेशन यूज़ करना चाहता हूँ तब ये दिखाई नहीं देता। फाइव किलोमीटर देन आई हैव टू टेक लेफ्ट। हम लोग जब कल आए थे यहाँ से लेफ्ट ले लिए थे सोमनाथ आते टाइम, उस रोड से हम लोग आए थे और यहाँ से लेफ्ट ले लिए थे मंदिर के लिए। ये रोड पे हमें पता नहीं कहाँ तक जाना है, लेट्स सी। अच्छा रोड है बाय द वे। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट जामनगर के लिए। जामनगर 125, पोरबंदर 99। आई थिंक ये एक स्टेट हाईवे है। ओह माय गॉड, क्या व्यू है यार, उस तरफ से समंदर समंदर और इस तरफ भी समंदर और बीचों बीच ये रोड जाता है और मैं जा रहा हूँ। लवली काइंड ऑफ वाइट सैंड में यहाँ पे देख रहा हूँ, बट हवा बहुत ज़ोर से चल रही है, पता नहीं ऑडियो कैसे आ रहा होगा। द व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग। सही में यार बहुत सुंदर व्यू है। मज़ा आ रहा है इनको उड़ा के। आगे भी और बर्ड्स हैं। उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए। कितने बड़े बड़े बर्ड्स हैं यार, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। लवली। ये शायद कोई NH है और मुझे यहाँ से लेना है लेफ्ट। राजकोट 181, जामनगर 90। मुझे आगे लंच के लिए भी कहीं रुकना है तो अभी 2:30 होने को है, देखते हैं कहीं रुक के लंच भी कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं, अगर कोई होटल मिल जाता तो होटल बाबा, बट खाने का तो कुछ दिख नहीं रहा है। रेस्टोरेंट टाइप ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत देर बाद यहाँ पे एक होटल दिखा मुझे, देखते हैं खाने को मिलता है कि नहीं। सो गाइज दैट वाज एन क्विक लंच ब्रेक, ऑल्दो ये 15-20 मिनट हो गया, बट ठीक है, लंच के लिए उतना तो रुकना ही पड़ेगा। रेस्टोरेंट वाज गुड, मतलब जो खाना और लोग सर्व किए उनका सर्विस अच्छा था। टाइम 3 के ऊपर हो गया, 3:20। अब निकलते हैं भुज की तरफ और ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि खाना पानी सब हो गया है, बट वो ये कि फ्यूल ब्रेक आगे लेना पड़ेगा शायद। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी टेम्पल है, इस प्लेस का नाम है आराधना धाम। बड़े मंदिर का नाम क्या है? हल्लार तीर्थ। अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर है यार। बहुत देर बाद एक अपोजिट साइड में नायरा का पेट्रोल पंप मिला, भरवा लेते हैं क्योंकि फिर आगे कहाँ मिलेगा पता नहीं। सर कार्ड हो जाएगा ना? कार्ड कार्ड फुल टैंगा फुल। आई थिंक मैं जामनगर एंटर कर चुका हूँ मैं भी। वो तो ट्रैफिक देख के पता चल रहा है कि कोई तो एक बड़ा सिटी है और मुझे लगता है यही जामनगर हो सकता है। नहीं, जामनगर और 30 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो फिर कोई और सिटी है ये, बट काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो अनदर टोल रोड इज सुपर फाइन, इतना अच्छा रोड कि मैं 105 के नीचे चला ही नहीं रहा हूँ। वो फ्यूल पंप में वो उस बंदे को पूछ रहा था, वो बोला कि पूरा अंडर यहाँ से अहमदाबाद तक ऐसे ही रोड मिलेगा, 4 लेन। अच्छा हाईवे है और मुझे और 11 किलोमीटर के बाद राइट लेना है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जामनगर और सीधा जाओगे तो जामनगर सिटी, बट हमें हाईवे लेके भुज की तरफ निकलना है तो हमें ये वाला रूट लेना पड़ेगा। ये अहमदाबाद वाला हाईवे है, राजकोट 98। यहाँ से हमें लेना है राइट और लेफ्ट की तरफ जामनगर। पता नहीं शायद तो आगे एक रोड को मुझे कनेक्ट करना है, बट मे बी वो जाम है इसलिए मुझे ये इंटरनल रूट दिखा रहा है, दिखा रहा है कि दैट रूट इज़ 9 मिनट स्लोअर। सो अभी इसी रूट से मैं आगे जॉइन कर रहा हूँ। बाप रे, एक नेवला गया यार, इतना फास्ट गया कि मैं डर गया। यार क्या आ रहा है इतना फास्ट? 86 किलोमीटर अभी इसी रूट पे जाना है मुझे। उधर पीछे एक लंबी ट्रैफिक जाम लगी है, बट मैं साइड से घुसा के एकदम निकाल दिया। बाइक होने का ही तो फ़ायदा है। तो इसी रोड पर अभी अनदर 85 किलोमीटर वी हैव टू कंटिन्यू। वो सिंगल लेन आके यहाँ से डबल लेन स्टार्ट हो गया, सॉरी 4 लेन हाईवे स्टार्ट हो गया। NH 151A, मोरबी 80, मालिया 79। देखते हैं कहाँ तक ये मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हाईवे है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हो गया होगा राइड करते हुए, तो थोड़ा रुक जाते हैं। आज ऑन शॉर्ट ब्रेक, 10-15 मिनट का तो हो ही गया, बट ठीक है। टॉयलेट हो गया, पानी थोड़ा पी लिया और थोड़ा गोप्रो भी चार्ज कर लिया, और बाकी जो नेविगेशन वाला फ़ोन है उसमें अभी बैटरी डाउन हो गया है तो उसको अभी चार्ज पे बिठा दिया हूँ। अभी 70 किलोमीटर तक इसी सेम हाईवे में स्ट्रेट जाना है, उसके बाद लेफ्ट लेना है। शायद मैं अराउंड 65 to 70 किलोमीटर के अराउंड एक बार रुक के वो नेविगेशन चेक करूँगा। मोस्टली हाईवे तो अच्छा ही है। ये अचानक से एक ख़राब पैच आ गया, खराब मतलब बहुत ही ख़राब एकदम। बाप रे, यार कब ख़त्म होगा ये फुल। मतलब 1 किलोमीटर स्ट्रेच तक तो ऐसे ही येलो दिखा रहा है। खराब मतलब बहुत ही ख़राब है। मतलब ये रोड बन रहा है तो एकदम 10-20 के स्पीड में भी नहीं जाना हो रहा है। एक साथ 2-2 ट्रेन जा रहा था, इसीलिए कुछ 10-15 मिनट उसने डाल दिया। आगे तक यही रोड मिलेगा, फिर जाके वो स्टेट हाईवे। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। ये देखिए ट्रक के पीछे क्या लिखा है, शायद ये टाटा का ट्रक है। लिखा है कि टाटा तुझे कसम है, हिम्मत मत हारना, रास्ता बहुत कठिन है। देश के गुजारनी। हाँ थोड़ा मिट गया, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इट्स गुड। जो भी बोला, हमारे इंडियन ट्रक्स के पीछे जो लिखा होता है ना, वो बहुत फनी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है रियली। इवन ऑटो वाले भी बहुत अच्छे अच्छे लिखते हैं यार। ये पता नहीं NH है, बट फिर भी काफ़ी सारा डाइवर्जन और कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार। गुजरात के रोड तो अच्छे हैं सब बोल रहे हैं, बट एक एक जगह ऐसे ख़राब है कि एकदम फट जा रहा है। और अभी सनसेट होने को है एंड इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं पूरा दूर दूर तक ऐसे ही फील्ड है जहाँ पे ये नमक सब एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो एक बहुत लंबी जाम लगी, आप देख सकते हैं। कार मतलब मैं कार मोड में आप डाला हूँ और एकदम रेड दिखा रहे। और अच्छी चीज़ ये कि मैं बाइक से आ रहा हूँ, तो इसलिए मतलब साइड साइड से निकल रहा हूँ। दैट्स द एडवांटेज ऑफ बाइक राइडिंग मैन। थोड़ा सा साइड हो जाइए अंकल। एक्सीडेंट की वजह से इतना जाम, बाप रे लवली। एक फ़ोटो लिया जाए यार। आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ टू इग्नोर दिस सीनरी एंड गो हाइड। फ़ोटो लेना तो बनता ही है भाई। जस्ट लुकिंग वाव। फ़ोटो मैंने ले लिया। मन तो कर रहे हैं यहीं बैठ के निहारता रहूँ और सनसेट को एंजॉय करूँ, बट अभी ETA 9:10 है एंड मुझे रात में राइड करना मतलब लेट नाइट होना मुझे पसंद नहीं है। अर्ली मॉर्निंग हो आई कैन मैनेज, बट एक तो मुझे रोड अननोन है, पता नहीं आगे कैसे रोड होगा। अगर ऐसे ख़राब रोड जो ऐसे अभी जो ख़राब रोड प्याच मिला, अगर सोचो ऐसे अगर प्याच मिल जाए रात 9 बजे, मैं तो वहीं छोड़ दूंगा भाई। मैं बोलूँगा वहीं मैं सो जाता हूँ, मुझे कुछ भी दे दो। तो बेसिकली आई वॉन्ट टू अवॉइड दोज लेट नाइट थिंग्स। अभी ETA है 9:09। लेट्स टारगेट टू रीच बाई 9 PM। देखते हैं। सो अभी मेन हाईवे से मैं लेफ्ट डाइवर्जन ले लिया टुवर्ड्स भुज एंड अनदर 97 किलोमीटर्स टू गो। ये आ गई एक टोल। मुझे लगता है शायद ये हाईवे भूज तक मिलेगा, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है। सो भूज के लिए हमें यहाँ से लेफ्ट डाइवर्जन लेना है और आई थिंक आगे एक अंडर पास होगा जो राइट साइड जाता है। आगे से हमें राइट भुज बचाओ या पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन। और इसी हाईवे में भुज तक ये हाईवे शायद पहुंच जाएगा। फ्यूलिंग भी कराना है और थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था, तो दोनों ही कर लेते। सर कार्ड हो जाएगा ना? कार्ड हो जाएगा ना? फुल टैंक 96। एक क्विक चाय स्टॉप ले लेते हैं, और पता नहीं यहाँ चाय मिल रहा है कि नहीं। A few moments later. मैंने भगा के 8:40, 8:45 ऐसे कुछ कर दिया था 9 something से। अभी फिर से यहाँ पे जो 15 मिनट ब्रेक ले लिया, 80 बढ़ गया। ठीक है, कोई ना। और अभी ये दुकान वाले से पूछ रहा था रोड कैसा है, तो बोला कि अच्छा है, ऐसे ही 4 लेन मिलेगा। देखते हैं। यहाँ मैं जितने लोगों को भी पूछता हूँ रोड कैसा है, वो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गुजरात में बहुत अच्छा रोड मिलेगा। बट रियलिटी में देखता हूँ तो अच्छा है, बट बहुत अच्छा नहीं है। तो ठीक है, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन को लो करके मैं हमेशा चल रहा हूँ। तो पता नहीं क्यों विजिबिलिटी भी बहुत इशू हो रहा है। वो उस तरफ से जो ट्रक वाले सब हाई बीम मार के आ रहे हैं ना, उससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट 10 किलोमीटर तो रोड बहुत अच्छा था, मतलब एकदम 4 लेन प्रॉपर था। बट बीच बीच में गड्ढा आ जा रहा है और सडन डाइवर्जन आ रहा है, तो वही बात है। और यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है शायद। बाप रे, सारे ट्रक वाले ऐसे लाइट मार रहे, एकदम ब्लाइंड कर देंगे तुम्हें। आई थिंक आई एम क्लोज टू भुज सिटी। और लेफ्ट साइड में एक कुछ तो है जो बहुत सुंदर दिख रहा है लाइटिंग के वजह से। यहाँ इतना जाम क्यों लगा है? कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है क्या यहाँ? कोई फैक्ट्री और बड़ी कुछ है शायद, इंडस्ट्री टाइप, इसलिए इतना जाम लगी है। ज़्यादा ही लोग नहीं है, बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं। पता नहीं क्या है ये, कुछ तो फैक्ट्री टाइप होगा। कुछ 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर टू भुज, 32 मिनट्स गोइंग, 88, 850। लेट्स सी। सो अभी मैं एंटर कर चुका हूँ भुज सिटी। 4.5 किलोमीटर है मेरा होटल। एंड आखिर के ये 5-10 किलोमीटर बहुत ही, मतलब गड्ढा वड्ढा सब है रोड में। और दो 4 लेन है, बट काफ़ी सारे ट्रक्स जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस तरफ से ट्रक कहाँ जा रहे हैं, मतलब कुछ पोर्ट वोट तो नहीं है, पता नहीं। नारायण सरोवर 156 भुज 2। आई थिंक आई रीच्ड होटल शिव रेसिडेंसी। और इज दैट यहीं कहीं लोकेशन दिखा रहा है, कहीं आगे कहीं बोल रहे हैं। हाँ, दिख गया। सो गाइस, फाइनली अभी मैं पहुंच गया भुज में। और मेरे होटल में अभी मैं चेक इन भी कर लिया। होटल इज़ वेरी गुड। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रूम काफ़ी अच्छा है। प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा। कुछ 800 रुपीज़ मुझे पड़ा। गोवा में भी दिखा रहा था, मैंने उनसे बात भी किया तो उतना ही, वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया प्राइस। और अभी मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, क्योंकि 400 किलोमीटर का टोटल आज का जर्नी था। बट इतना बीच बीच में रोड ख़राब था और गड्ढा वड्ढा था, तो एकदम मतलब मेरा हालत ख़राब हो गया। सबसे ज़्यादा पेन मुझे बम में हो रहा है। ओवरऑल दिस जर्नी वाज गुड। अगर आप द्वारका टू भुज रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में अभी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मे बी आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर रोड अगर अच्छे से पूरा मतलब कंस्ट्रक्ट हो जाए तो मे बी इट विल बी गुड एक्सपीरियंस। 70% रोड इज़ गुड आई वुड से, बाकी 30% इज़ वर्स्ट। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आगे की वीडियो में मैं भुज एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और सबसे मेन इसके पास में जो वाइट रन ऑफ कच्छ, रोड टू हेवन, वो सब एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दैट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इफ हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स रिप्लाई करूँगा। और लास्ट में, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आपको पहुँचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।